ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंभुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुदीन तारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 4। अध्याय 9 का नाम क्या है अंशुमान जी? अध्याय 9 का नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान। अध्याय 8 का नाम? भगवत प्राप्ति। भगवत। अध्याय 7 का नाम? भगवत ज्ञान। जी, बहुत सुंदर। अध्याय 6 का नाम? ध्यान योग। अध्याय 5 का नाम? अध्याय 5 का नाम दिव्य ज्ञान। वो 4 का नाम है। 5 का नाम कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। जी जी, ठीक है। अध्याय 4 का नाम दिव्य ज्ञान। अध्याय 3 का नाम? कर्मयोग। कर्मयोग। अध्याय 2 का नाम? गीता का सार। अध्याय 1 का नाम? पलटिए पेज, पलटिए। कुरुक्षेत्र के दुष्कर्म में सैन्य निरीक्षण। आपको तो आदत होनी चाहिए ना, आप तो एडवोकेट साहब हैं। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 4 दोहराइए, श्रीमान विनोद अग्रवाल जी। श्लोक संख्या 4 दोहराइए। मया ततम इदम सर्वम, मया ततम इदम सर्वम, जगद व्यक्त मूर्तिना, जगद व्यक्त मूर्तिना, मतस्थानी सर्वभूतानि, मतस्थानि सर्वभूतानि, न चाहं तेषु अवस्थितः, न चाहं तेषु अवस्थितः, मया ततम इदं सर्वं, मया ततम इदं सर्वं, जगत अव्यक्त मूर्तिना, जगत अव्यक्त मूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि, मत्स्थानि सर्वभूतानि, न चाहं तेषु अवस्थितः, न चाहं तेषु अवस्थितः। जी, आप एक बार उच्चारण कीजिए। मया तत्मिदं सर्वं, जगत अव्यक्त मूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि, न चाहं तेषु अवस्थितः। बहुत अच्छा, हरि बोल। शब्दार्थ दोहराएंगे। श्लोक की शुरुआत ही आप शब्द से समझ रहे हैं, मया ततम इदम सर्वम, जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो आप इस श्लोक में जो शब्द उपयोग कर सकते हैं वो है जगत अव्यक्त मूर्तिना, इम्पोर्टेंट श्लोक के रूप में। मया ततम इदम सर्वम, जगत अव्यक्त मूर्तिना, मतस्थानि सर्वभूतानि, न चाहं तेषु अवस्थितः, जगत अव्यक्त मूर्तिना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ द्वारा ये, मया मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा, ततम व्याप्त है, ततम व्याप्त है, इदम यह, इदम यह, सर्वम समस्त, सर्वम समस्त, जगत दृश्य जगत, जगत दृश्य जगत, अव्यक्त मूर्तिना अव्यक्त रूप द्वारा, अव्यक्त मूर्तिना अव्यक्त रूप द्वारा, स्थानी मुझमें, मत स्थानी मुझमें, सर्वभूतानि समस्त जीव, सर्वभूतानि समस्त जीव, ना नहीं, ना नहीं, च भी, अहम मैं, अहम मैं, तेसु उनमें, तेसु उनमें, अवस्थितः स्थित, अवस्थितः स्थित। तो अनुवाद दोहराएंगे, सभी भक्तों से निवेदन है अनुवाद दोहराइए। आपको उच्चारण करना है, मैं बोल रहा हूँ तो आपको पीछे दोहराना है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। यह संपूर्ण जगत, यह संपूर्ण जगत, मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझमें है, समस्त जीव मुझमें है,
किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। थोड़ा सा समझने वाला श्लोक है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ये इतना सरल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले भगवान क्या कह रहे हैं, मया ततम इदम, इदम सर्वम, ये जो भी जगत है भौतिक जगत है अब मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त है। तो भगवान के कितने रूप होते हैं, भगवान के मुख्य रूप से कितने रूप होते हैं, दो, तीन होते हैं मुख्य रूप से, दो होते हैं बोल रहे, ठीक है, और कोई, प्रभु जी तीन रूप होते हैं। तो भगवान के तीन रूप होते हैं, आप में से और भी भक्तों ने सही उत्तर दिया है। तो भगवान तीन रूप में हम उनको दर्शन कर सकते हैं या रियलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूप वो कौन सा है, अव्यक्त रूप, और उसको वो क्या बोलते हैं, ब्रह्म रूप बोलते हैं, ब्रह्म रूप, उसको ब्रह्म रूप बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, परमात्मा जो सबके हृदय में है, और तीसरा कौन सा है, स्वयं भगवान द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप। टोटल तीन रूप हो गए भगवान के। तो हम सबसे पहले भगवान को निराकार रूप में जानते हैं, उनकी शक्तियों के द्वारा जानते हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्म या अव्यक्त रूप, जो आज के श्लोक में बोला अव्यक्त मूर्तिना। उसमें भगवान आपको डायरेक्ट दिखते हैं क्या, अव्यक्त रूप में भगवान डायरेक्टली नहीं दिखते हैं, वो अपनी शक्तियों के द्वारा उपस्थित रहते हैं। और उसके बाद क्या आता है, मैं संपूर्ण जगत, सॉरी, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझमें हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। समस्त जीव, समस्त जीव मतलब क्या आ गया, जितना भी भौतिक जगत में जितने भी जीव है, वो पशु पक्षी मनुष्य जितने भी जीव हो गए, सबके सब जीव भगवान में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो भगवान सीधा सीधा इसका उत्तर जो समझेंगे आप, कि भगवान अपने अव्यक्त रूप में स्थित हैं और सभी जीव भगवान की शक्तियों में स्थित हैं। सभी जीव भगवान की शक्तियों में कैसे स्थित है बताइए, सातवें अध्याय में हमने समझा था इस बात को, सभी जीव भगवान की शक्तियों में स्थित हैं। कोशिश कीजिए, प्रभु जी परा और अपरा शक्ति के रूप में, प्रश्न पूछ लो किसी से, परा और अपरा शक्ति के रूप में, पराशक्ति कौन सी है और अपराशक्ति कौन सी है, इतना तो बता दीजिए। माता जी आप बैन हो गए हैं प्रश्न का उत्तर देने से, आपको जब किसी और के हेल्प चाहिए होगी तो आपको पूछेंगे। वेरी नाइस, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो आप सब प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, हरी बोल। तो सुनिधि माता जी आप नहीं उत्तर देंगे, और विभा माता जी आप नहीं उत्तर देंगे, नहीं, ठीक है, बाकी लोग उत्तर दे सकते हैं, उनके बाद धीरे धीरे बैन करेंगे उनको भी। पराशक्ति मतलब आत्मा, और अपराशक्ति मतलब भौतिक शरीर। हाँ, तो हमारा ये पूरा जो ये रूप है, जो ये शरीर है, शरीर और आत्मा है, ये भगवान की शक्तियों में स्थित है, एक अपराशक्ति है और एक पराशक्ति है। इसलिए कहा जा रहा है समस्त जीव मुझमें किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। समस्त जीव भगवान में स्थित है, किस प्रकार से, शक्तियों के द्वारा। भगवान की शक्तियां है पराशक्ति और अपराशक्ति, और किंतु मैं उनमें नहीं हूं, तो भगवान तो है सब जगह, ऊपर तो क्या बोला, समस्त जगत जो है मेरे द्वारा व्याप्त है, लेकिन बाद में क्या बोल रहे हैं, मैं उनमें नहीं हूं। किस रूप में नहीं है आशिता जी, मैं उनमें नहीं हूं, भगवान कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूं, आपने हाथ खड़ा किया। अच्छा ठीक है, मैं उनमें I am not in them, क्या मतलब है, यस प्रमोद कुमार जी कोशिश कीजिए, मैंने इसलिए सबसे पहले तीन रूप बताए आप सबको, मैं उनमें साकार रूप में नहीं हूँ। यस वंडरफुल, हरि बोल। तो भगवान किस रूप में है सब जगह, निराकार रूप में स्थित है, लेकिन साकार रूप में वो स्थित नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण की इस बात को हम समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस भगवद गीता के श्लोक में, भगवान कह रहे हैं यह संपूर्ण जगत मेरे द्वारा व्याप्त है। कौन सी शक्ति द्वारा व्याप्त है पूरा का पूरा जगत, दोनों ही शक्ति, परा और अपरा शक्ति के द्वारा। क्यों, जीव तो कौन सी शक्ति से होते हैं, आत्मा, अब परा शक्ति से, परा, और जो भौतिक जगत है, वस्तु है, पूरा पहाड़ झरने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो कुछ है, वो कौन सी शक्ति है भगवान की, एक साथ बोलिए सभी लोग माइक अनम्यूट करके, ये कौन सी शक्ति है, पराशक्ति है, ठीक है।
भगवान की दो शक्तियां होती है, एक भौतिक शक्ति और एक आध्यात्मिक शक्ति। तो भौतिक शक्ति को अपराशक्ति बोलते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को पराशक्ति बोलते हैं। तो भगवान अपनी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों के माध्यम से इस पूरे जगत में व्याप्त हैं। ये पूरा जगत भगवान की शक्तियों के द्वारा बना हुआ है, व्याप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, तात्पर्य भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों द्वारा नहीं हो पाती। स्थूल इंद्रिया कौन कौन सी है? स्थूल इंद्रिया कौन कौन सी है? जितु भंबाने जी बताइए, स्थूल इंद्रिया कौन सी है? यहाँ कहा जा रहा है स्थूल इंद्रिया, नहीं पता। तो आप इतना स्माइल से एकदम सुनते तो ऐसे जा रहे हैं कि सब समझ में आ रहा है। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। स्थूल इंद्रिया बोल रहे हैं सेवका गौर कौशिक जी, मन बुद्धि अहंकार, बिल्कुल गलत उत्तर है। स्थूल इंद्रिया कौन सी हो गई? रुक जाओ, मैं सब समझाने की कोशिश करता हूँ। म्यूट करो, सभी लोग म्यूट करो। प्रमिला खेमानी माता जी म्यूट करो, जब तक बोला नहीं जाए तब तक अनम्यूट नहीं करना है जी। तो सबसे पहले समझिए, दो तरह के शरीर होते हैं। पहला शरीर कौन सा है? सूक्ष्म शरीर। दूसरा शरीर कौन सा है? सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर मतलब कौन सा? ये बाहर वाला जो हमारा शरीर है, जो दिखता है अपने को, जिसमें इंद्रियां हैं, पंच महाभूत हैं, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, ये है स्थूल शरीर। एक होता है सूक्ष्म शरीर, जो दिखता नहीं है लेकिन है। वो क्या, कौन कौन सा है? मन बुद्धि और अहंकार, ये क्या है? सूक्ष्म शरीर। तो अब यहाँ कहा, क्या कहा गया? स्थूल इंद्रिया। तो स्थूल इंद्रिया कौन सी हो गई? आंख, कान, नाक, जिह्वा और स्पर्श, ये हो गई स्थूल इंद्रिया। तो कहा जा रहा है कि भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। हम भगवान को इन इंद्रियों से नहीं देख पाते। कौन से रूप के भगवान को? भगवान के कौन से रूप को नहीं देख पाते? भगवती माता जी, प्रभु जी त्रिभुज मुरलीधर, यार भगवान के ओरिजिनल जो रूप है भगवान श्री कृष्ण का, उस रूप को इन आंखों से अभी हम नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए क्या कहा जा रहा है? देखिए, क्या हम भगवान के अव्यक्त रूप को देख सकते हैं? क्या हम भगवान के निराकार रूप को देख सकते हैं? ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, यस और नो? निराकार रूप के लिए भी ऐसे ऐसे कर रहे हो? देख सकते हैं, देख नहीं सकते, मतलब उसको फील कर सकते हैं। देखने का मतलब क्या है? ये जगत जो है, हवा है, पानी है, वायु है, आकाश है, ये सबको हम समझ सकते हैं कि भगवान की शक्ति है, इनमें भगवान उपस्थित है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे बच्चा, ठीक है। तो ये भगवान का अव्यक्त रूप हो गया। अब कहा जा रहा है भक्ति रसामृत सिंधु में, ये भक्ति रसामृत सिंधु क्या है, कौन बताएगा? भक्ति रसामृत सिंधु, प्रतिभा शर्मा जी, भक्ति रसामृत सिंधु क्या है, किसने लिखी है? रूप गोस्वामी जी। भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। रूप गोस्वामी जी ने लिखी है। उनकी एक और किताब का नाम क्या है? उपदेशामृत। और ये है भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु को बोला गया है भक्ति, भक्ति का विज्ञान। क्या बोला गया है? भक्ति का, भक्ति का विज्ञान। हाँ, भक्ति का विज्ञान है ये। तो भक्ति का विज्ञान नामक इस किताब के अंदर सारी चीजें बताई गई है, कैसे भक्ति करनी चाहिए, क्या अपराध होते हैं, क्या अपराध नहीं होते हैं, सब चीजें इसमें बताई गई है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो वो बता रहे हैं, श्लोक दोहराइए, सभी भक्त लोगों से निवेदन है, श्लोक दोहराइए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जिह्वादौ स्वयमेव स्फूर्त्यदः। ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। इसमें कहा जा रहा है, देखिए अनुवाद में, भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। भगवान के नाम, यश, लीलाओं को भौतिक इंद्रियों को से द्वारा
नहीं समझा जा सकता। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, भगवान ने ऐसा लीला क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों बोला, भगवान ने ऐसा यहाँ पर इस प्रकार क्यों किया। हम इन भौतिक इंद्रियों से उनको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो सब क्या है, दिव्य है। इन सब बातों को हम समझेंगे, आपके प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी देंगे हम। तो पहले आप इस बातों को समझ लीजिए एक बार कि भगवान के दिव्य नाम यश लीला आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो दिव्य हैं। और हमारे इंद्रियां कैसी है आशिता जी? भौतिक। और भगवान का नाम गुण रूप लीला कैसा है? दिव्य। दिव्य है। तो दिव्य वस्तु को हम आंखों से नहीं समझ सकते, इसलिए कहा है कि भगवान के गुण रूप नाम यश लीला को हम जो है भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। अब आगे कहा जा रहा है, जो समुचित निर्देशन में, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा, जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। जो समुचित निर्देशन, क्या मतलब है मदन लाल जी का, जो समुचित निर्देशन में एसोसिएशन के द्वारा गुरुजनों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको समझेंगे तो उनके गाइडलाइंस में हम भगवान को समझ सकते हैं। हाँ ठीक है। और थोड़ा समुचित निर्देशन में, सरल भाषा में बोलिए, सही बोल रहे आप, समुचित निर्देशन में किसका निर्देशन? एक तो हुआ है प्रभुपाद जी से, तो कहा जा रहा है समुचित निर्देशन में, अगर हम सही निर्देशन में, प्रॉपर गाइडेंस में लिखा हुआ है, प्रॉपर गाइडेंस, ओनली वन हु इज एंगेज इन प्योर डिवोशनल सर्विस अंडर प्रॉपर गाइडेंस इज ही रिवील्ड, भगवान उसको प्रकट हो जाएंगे, भगवान उसको साक्षात्कार हो जाएंगे। किसको? जो एक गाइडलाइंस में काम करता है, जो गुरु के निर्देशानुसार कार्य करता है, जो गुरु के निर्देशानुसार भगवान को समझने का प्रयास करता है। समझ जाएंगे आज इस बात को अच्छे से कि जो गुरु के निर्देशन में भगवान को समझने का प्रयास नहीं करता वो भगवान को नहीं समझ सकता। उसका उत्तर देंगे विनोद अग्रवाल जी, क्यों? क्यों गुरु के निर्देशन में क्यों समझ सकते? गुरु के निर्देशन से हमें सही बातों का, सही अर्थों का पता लगता है। बहुत अच्छा। और कोई? उनके बताए गए निर्देशों के अनुसार जब हम भक्ति करते हैं तभी हम भगवान का साक्षात्कार करते हैं। बिल्कुल। उनका सबसे मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हमें सही बातों का पता नहीं चल पाता कि हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। सुनीता गढ़ियाल माता जी, गुरु की खासियत क्या होती है? इतने यही प्रश्न है एक तरह से। हरिशरण प्रभु जी, प्रमाणिक जी, प्रभु प्रमाणिक गुरु जो होते हैं, हाँ। गुरु परंपरा के अंतर्गत जो आते हैं, हाँ। कि हमको निर्देशन दे सकते हैं और कोई हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्यों क्यों यहाँ लिखा हुआ वो निर्देशन में हम भगवान को समझ सकते हैं, साक्षात्कार हो सकता है, क्यों? ऐसा गुरु में क्या है? प्रभु जी ने गुरु परंपरा से, वो तो बोल दिया, उन्होंने भी बोल दिया जिनसे पूछ रहा हूं, शास्त्रों में श्रद्धा रखे वो सब बात बता, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं प्रभु जी। यस। और एक्चुअल में उत्तर ये है, सिंपल उत्तर है वो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उत्तर नहीं है, क्योंकि वो भगवान को जानते हैं। साक्षात्कार कौन करा सकता है? जो भगवान को जानता है। तो गुरु जो है वो भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं और हर समय भगवान का दर्शन कर पाते हैं, पर हम इन भौतिक इंद्रियों से दर्शन नहीं कर पाते। ना भवेद ग्राहे इंद्रिय है, इन इंद्रियों से हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन गुरु 24 आवर्स भगवान का दर्शन करते हैं। तो हमारे को भी साक्षात्कार करवा सकते हैं, हमारे को भी तत्वदर्शी गुरु जिन्होंने भगवान को देखा हुआ है, जो सत्य के बारे में जानते हैं, वो हमें भी उनसे मिला सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि हम अपनी भौतिक इंद्रियों से तो भगवान को नहीं समझ सकते, जो समुचित निर्देशन में भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। तो भगवान का साक्षात्कार किसे हो पाता है?
समुचित निर्देशन में भक्ति करता है। प्रभु जी ये ऐसे गुरु ग्रंथ में भी जो लिखा हुआ है मूल मंत्र में कि लास्ट में गुरु प्रसाद है, तो गुरु के बिना नहीं मिल सकता है, कुछ भी नहीं मिल सकता है जी। गुरु का होना आवश्यक है। कहीं ना कहीं अगर आप ये समझ रहे होंगे ना कि हम तो भगवद गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, गुरु की क्या आवश्यकता। अरे भाई आप अगर समझ भी रहे तो एक टीचर से समझ रहे हो ना, एक गुरु से समझ रहे हो ना, एक शिक्षा गुरु से समझ रहे हो ना। पर हमारे दीक्षा गुरु कौन है, हमें ज्ञान देने वाला कौन है? श्री प्रभुपाद जी, उनसे सारा ज्ञान आता है, उनसे हम समझ पा रहे। इस श्लोक को बाहर के किसी व्यक्ति को बोल दो समझाने के लिए, नहीं समझा सकता। इस श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो हम एक प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में अगर भक्ति में लगे रहते हैं तो उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। नेक्स्ट, ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है, ऐसी ही ऐसी बात। ठीक है, ये होते हैं प्रमाणिक गुरु। इधर इशारा कीजिए, लिख लीजिए या समझ जाइए, समझने की बात है। प्रमाणिक गुरु वो होते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, अपने पूर्ववर्ती गुरु के द्वारा प्रमाणित होते हैं, और साथ ही साथ वो एक बात को सिद्धांत रूप में प्रूव करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए कई अन्य शास्त्रों का उदाहरण देते हैं। तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण को हम भौतिक इंद्रियों से दर्शन नहीं कर सकते हैं, उदाहरण दे रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु से, वो उदाहरण दे रहे हैं ब्रह्म संहिता से। वो क्या उदाहरण दे रहे हैं, देखिए ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया। प्रेमांजनच्छरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजाम। क्या कहा जा रहा है, भगवती माता जी हरे कृष्ण, क्या कहा जा रहा है? प्रेमांजन छुरित। अच्छा, जिन लोगों को मालूम है वो मत बोलिएगा, ठीक है, अपने जीवा पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। जल्दी से बताइए, जो लोग नए डिवोटीज है बोलते नहीं। अंजन क्या होता है, अंजन इनसे पूछूं मैं, अंजन क्या होता है, जो इनका वीडियो काजल, हरे कृष्ण प्रभु जी काजल। आप तो माता जी बहुत पुराना डिवोटी है ना माता जी, सॉरी। अंजन का मतलब होता है काजल, तो जो बच्चों के आंखों में डालते हैं और माता जी लोग अपने आंखों में डालते हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, राइट। आजकल काजल की जगह क्या क्या आ गया है, कौन बताएगा? काजल लगाते क्या लगाते आजकल, आई लाइनर। अच्छा ठीक, मस्करा। ओके, तो भगवान के दर्शन हम इन आंखों से नहीं कर सकते, जैसे एक अंजन लगाना पड़ेगा। ब्रह्म संहिता कह रही है कौन सा अंजन लगाना पड़ेगा, प्रेमांजन चुरित विलो, प्रेमांजन लगाना पड़ेगा। अभी प्रेमांजन कहाँ मिलता है, प्रेमांजन मिलता है लैक्मे के शॉप में। कहाँ मिलता है? भगवान की भक्ति में प्रभु जी, भगवान की भक्ति में मिलता है, जो श्लोकों में बताया जा रहा है। प्रेमांजन चुरित, वो प्रेमांजन लगाएंगे। वो अंजन लगाना मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ लाके लगाना है, ऐसे फिजिकली कुछ लगाना है। हमारी आंखों की दृष्टि कैसी हो जानी चाहिए, प्रेम वाली दृष्टि हो जानी चाहिए भगवान के प्रति, तो हम हर समय हर जगह किसका दर्शन कर पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली, यह है प्रेमांजन। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली तो क्या होता है, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देखता है। भीतर और बाहर किसको देखता है, गोविंद को देखता है, कृष्ण को देखता है। हम नरसिम्हा आरती में ऐसा कुछ लाइन बोलते हैं, रीमा पटेल माता जी, भीतर भी बाहर भी, नरसिम्हा आरती में क्या ऐसी लाइन है, इनसाइड आल्सो आउटसाइड आल्सो, रीमा पटेल माता जी, अंदर भी है नरसिम्हा बाहर भी है नरसिम्हा, याद है आपको, कोशिश कीजिए। नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद लाद लाई ने हिरण्य कश्यप पूर्वक्ष शिलाटंगा नखालय इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामितो तो नरसिम्हा। नेक्स्ट बोलिए माता जी, नेक्स्ट क्या लाइन है, रीमा माता जी, इतना बता दिया, इतनी बड़ी हिंट तो मैं किसी को नहीं देता,
आहे नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, बाहर भी है नरसिम्हा हृदय में नरसिम्हा, ये बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो भक्त जिनकी आंख प्रेमांजन से पूरी हो जाती है, जिनके भगवान के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो वो भगवान का हर समय दर्शन कर सकते हैं। कहाँ कहाँ? हृदय के अंदर भी और बाहर भी, पूरे जगत में, जिस भी पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे पत्थर हाथी कुछ भी दिखेगा उसको, उसमें किसका दर्शन करेंगे? वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। किस रूप में? परमात्मा रूप में। ठीक है, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने न, प्रेमांजन रूपी जो अंजन है, प्रेम भक्ति अगर हम उत्पन्न कर लेते हैं भगवान के लिए, तो ये दर्शन हो पा रहे हैं। ठीक है, हमने नरसिंह आरती में क्या गाया था, याद कर लीजिए एक बार नरसिंह आरती जल्दी से, इसी बहाने थोड़ा याद हो जाएगा, याद नहीं करते आप लोग। नमस्ते नरसिंहाया प्रह्लादना ददाइने हिरण्याकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। इतो नरसिंहा परतो मतलब इधर भी नरसिंहा उधर भी नरसिंहा, यतो यतो यामि जहां जहां देखो वहां नरसिंहा। कौन बोल रहा है ये? प्रह्लाद बोल रहा है। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। नेक्स्ट क्या है, एक साथ बोलो, बाहे नरसिम्हा। वेरी नाइस, सब लोग बहुत अच्छे डिवोटी आप। हरि बोल, क्या बात है, हरि बोल, हरि बोल। बाहे नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, नरसिम्हा कहाँ पर है? बाहर भी है और अंदर भी है, इसके लिए बोला जा रहा है। तो उसी प्रकार से जब ये सब दर्शन कब होंगे, ठीक है प्रश्न लिख लीजिए, भगवान के अंदर और बाहर दर्शन कब होंगे? जब हम प्रेमा भक्ति में आ जाएंगे। जी बहुत सुंदर, जैसा कि लिखा हुआ है। अंदर और बाहर से क्या मतलब है अनुराधा माता जी? भगवान के अंदर भी दर्शन होंगे और बाहर भी दर्शन होंगे, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, राइट? क्या मतलब? हाँ मतलब बाहर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा का मतलब हर हमारे हृदय में भी परमात्मा है, हर सभी लोगों के हृदय में परमात्मा। तो बाहर और अंदर से मतलब क्या है? हमारे हृदय में मतलब अंदर, और बाहर मतलब सब जगह सर्वत्र, हर प्राणी में हर जीव में कण कण में भगवान विद्यमान है। ये हो गया अंदर और बाहर भगवान स्थित है। ये कहा गया है यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। अपने अंदर क्या उत्पन्न कर ली है? दिव्य प्रेमाभिरुचि, दिव्य प्रेमाभिरुचि, भगवान के प्रति प्रेम अभिरुचि उत्पन्न कर ली है, तो हर जगह किसका दर्शन कर पाएगा? भगवान का दर्शन कर पाएगा। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। सामान्य जन कौन हो गए और विशेष जन कौन हो गए, बताइए आप में से। सुनिधा घड़ियाल माता जी, सामान्य जन कौन हो गए और विशेष जन कौन हो गए? प्रभु जी सामान्य जन तो सभी हैं, जो भी चाहे वो प्रयास कर रहे हैं चाहे नहीं प्रयास कर रहे हैं, सभी सामान्य जन हैं। और जो सक्षम है हमको दिव्य ज्ञान देने में। गड़बड़ क्यों कर रहे, किताब में से उत्तर देना है ना। यस, कौन देंगे उत्तर इसका? जो रेगुलर डिवोटीज है वो नहीं, नए डिवोटीज में से। यस, नए डिवोटीज। यहाँ क्या मतलब है? सामान्य व्यक्ति जो है भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है भगवान। मतलब क्या? जिसके पास पैसे कम है वो मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, ये मतलब है? यस आशिता जी बताइए क्या मतलब है, सामान्य जन कौन है और विशेष जन कौन है? प्रभु जी सामान्य जन जो कृष्ण भाव में अमृत में नहीं होंगे, और विशेष जन जो कृष्ण भाव कृष्ण भावना है
और उसमें भी नेक्स्ट है वो क्या है, जिसने भगवान के प्रति प्रेमा भी रुचि उत्पन्न कर ली, जिसने भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेमा भी रुचि उत्पन्न कर ली है वो व्यक्ति विशेष है, और जिसने भगवान के प्रति प्रेमा अभिरुचि प्रेम अभिरुचि उत्पन्न नहीं की है वो व्यक्ति सामान्य है, और उसके लिए उसको क्या नहीं हो पाता, भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। ठीक है, समझ में आया नैनावती जी, जिसने भगवान के प्रति प्रेम अभिरुचि उत्पन्न की है उसको तो भगवान सब जगह दर्शन हो जाएंगे, लेकिन जो भगवान के प्रति प्रेम अभिरुचि उत्पन्न नहीं किए हैं, सामान्य है, मतलब ठीक है भक्ति कर रहे हैं चल रहा है, तो जैसे हम सब लोग है अभी, हम सब लोग प्रेम भक्ति की प्राप्त कर चुके हैं क्या नैनावती जी, हम प्रेम भक्ति प्राप्त कर चुके हैं भगवान की? प्रभु जी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, प्राप्त कर चुके हैं क्या, प्रश्न ये है। पूर्ण तरफ पूर्ण पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हमने प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं की है इसलिए भगवान का सब जगह दर्शन नहीं कर पाते हैं, अभी भी ईर्ष्या होती है, द्वेष आता है, जलन होती है, क्यों? क्योंकि जिससे ईर्ष्या हो रही है ना उसमें परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, उसको हम परमात्मा के अंश के रूप में नहीं देख रहे, इस कारण से द्वेष हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, तभी हमने भगवान के प्रति प्रेमाभिरुचि उत्पन्न नहीं की है। ठीक है, तो जिसने रुचि उत्पन्न कर ली है वो अंदर या बाहर हमेशा भगवान का दर्शन करता रहता है, और इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। देखिए आप लोग अटेंटिव होकर सुनेंगे, मैं जब बोल रहा हूँ कुछ करूंगा कर रहा हूँ तो आप ऐसे ऐसे करेंगे या ऐसे ऐसे करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हैं, नहीं तो बस आप एक जैसे बैठे रहेंगे ऐसे तो नहीं चलेगा। मैंने चार प्रकार के श्रोता बताए थे आपको, मालूम है पहले भी मालूम है ना, पहले प्रकार के श्रोता कौन होते हैं, पहले प्रकार के श्रोता कौन होते हैं, चार प्रकार के श्रोता बताए थे, बताइए। सबसे पहले जो वीडियो ऑन करके बैठते हैं, दूसरे जो वीडियो आधा ऑन करते आधा ऑफ करते हैं, तीसरे जो वीडियो ऑफ करके बैठते हैं, चौथे ऑडियो कभी ऑन करते कभी ऑफ कर देते हैं, ऐसा था क्या? चार प्रकार के श्रोता कौन है बोलिए सोनम सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पहले होते हैं श्रोता सर होता है, श्रोता जो बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, और श्रोता वो जो सुनते सोते 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 हैं, और कुछ होते हैं श्रोता जो मिट्टू की तोते की तरह कथा एक जैसा सुनते हैं वो दूसरों को सुना देते हैं। प्रभु जी थोड़ा मिक्स हो रहा है पर मैं ट्राई कर रही हूँ। मिक्स हो रहा है लेकिन ट्राई कर रही हूँ। मेरा वाला उदाहरण कहाँ है, राजा के यहाँ एक व्यक्ति चार मूर्तियां बेचने के लिए आता है और चारों मूर्तियों में उसको अंतर बताना था, क्या अंतर है उन चारों मूर्तियों के अंतर्गत। तो राजा का एक व्यक्ति चेक करता है, दो व्यक्ति चेक करते हैं, तीन व्यक्ति चेक करते हैं, सब चेक करते हैं लेकिन मालूम नहीं पड़ता है। तो क्या करता है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जाता है और जिसको राजा मूर्ख समझता था वो व्यक्ति जाता है, एक पतला सा तार लेके जाता है और कान के अंदर डालता है, और जैसे कान के अंदर डालता है क्या होता है, यू टर्न होकर के तार वापस आ जाता है ऐसे। तो ये पहला तरह का हो गया, मतलब कि कान के पर्दे पे बात पड़ी लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे हमारे साथ भक्त लोग जुड़े हुए हैं जिनके कान के पर्दे के ऊपर बात पड़ रही है, कृष्णा भगवद गीता श्लोक अव्यक्त व्यक्त सब पढ़ रही है, क्लास खत्म हो गई उसके बाद अरे क्लास कैसी थी, क्या बताऊं प्रभु जी इतनी ही बढ़िया क्लास लेते हैं, बिल्कुल मतलब मैं तो एकदम सो जाता हूं पूरी तरह से। जब अब ये हो गया पहला तरह का, फिर दूसरे तार लेके गया दूसरी मूर्ति में, इस कान से डाला इस कान से निकल गया, तो ये दूसरे तरह के श्रोता होते हैं। क्लास में 3 बजे सुना, 4 बजे तक तो थोड़ा साफ भी हो गया गायब, कुछ मतलब नहीं। तीसरे तरह के श्रोता कौन होते हैं, जो कान में तार डाला उन्होंने तीसरी मूर्ति के अंतर्गत, तो क्या हुआ वो बोलिए क्या हुआ, गई क्या हुआ, मुंह से निकल गया। तो हम सुनते तो हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं है, तो ये तीसरे नंबर का श्रोता हो गया, सुन लिया और दूसरों को जाके बोलेंगे अरे भगवान भगवद गीता बोल रहे थे वो अव्यक्त रूप में सब जगह है, लेकिन व्यक्त रूप में वो दिखते नहीं हम सबको, तो प्रेम भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो हम सब जगह भगवान का दर्शन कर पाएंगे और हमें प्रेम भक्ति करनी चाहिए, बोल दिया। आप कितनी माला करते हो सर जी, अरे क्या बताऊं मैं आपको, गिन के नहीं करता मैं, ऐसा कर लेता हूं। अरे कितनी करते हो बता दो माला, अरे क्या गिनना क्या भगवान का ना नहीं होता, एक माला भी नहीं होता। इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि चार तरह के श्रोता होते हैं, चौथा श्रोता कौन है, जो इस कान में तार डाला तो क्या हुआ, इशारा करके बताइए, इस कान में तार डाला तो क्या हुआ,
इशारा करके बताइए, इस कान में तार डाला तो क्या हुआ? हाँ रोशनी गुप्ता माता जी कुछ बता रहे, बताइए क्या हुआ? माइक अनम्यूट करके माइक गड़बड़ कर रहा, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है जी, कौन बताएंगे? यस आत्मसात किया प्रमोद कुमार जी गुप्ता जी बता रहे, बहुत सही उत्तर दे रहे हैं कि क्या होगा, आपके हृदय में चला जाएगा वो, मतलब कि आप उसका पालन करने लग जाएंगे। अभी हमारे भगवद गीता क्लास में हम कौन से श्रोता है हमें मालूम नहीं, पहले नंबर के, दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के, चौथे नंबर, अगर आप पालन कर रहे हैं तो हम जो है चौथे नंबर के हैं, ठीक है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते अब तो ध्यान से सुना कीजिए, थोड़ा इशारों में बता दिया कीजिए, हाँ ठीक है समझ में आ रहा है, एकदम से क्या बोलूं मैं, गलत शब्द बोल नहीं सकता मैं, एकदम बहुत इंटेलिजेंट डिवोटी के जैसे मत बैठा करो एकदम से। ऐसे 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 बैठने से मतलब नहीं, सुनना है समझना है, इसलिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जब तक हमारे इंद्रियों में मन का प्रेमांजन नहीं लगेगा तब तक हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, यहां पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान क्या है? सर्वव्यापी, सब जगह स्थित है, सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। किस रूप में उनको नहीं देख सकते? उनके रियल ओरिजिनल रूप में नहीं देख सकते। तो सर्वत्र व्याप्त कैसे है? नैना पटेल माता जी उत्तर दीजिए, तो सर्वत्र व्याप्त कैसे? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, अब ये मत बोलना कि मैं दो दिन से क्लास नहीं आई थी। नहीं प्रभु जी, आती थी लेकिन वीडियो ऑफ रख दी थी। बताइए। वो पराशक्ति है इसीलिए सर्वत्र व्याप्त है। बिल्कुल परा परा नहीं माता जी, रिपोर्ट क्यों करते हो आप, थोड़ी थोड़ी मुझे गुस्सा दिला देते हो। सिंपल बात करता हूँ, वापिस से बोलता हूँ, ठीक है, हाथ जोड़ के बोलता हूँ मैं, हाथ जोड़ के बोलूंगा तो शायद ज्यादा सुनेंगे आप। सुनिए, भगवान इस भौतिक जगत में अपने निराकार रूप में, अपने शक्ति रूप में सब जगह व्याप्त है, फिर भी दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो अपने ओरिजिनल रूप में, द्विभुज मुरलीधर रूप में उपस्थित नहीं है। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? हम शुद्ध नहीं है। प्रहलाद को तो भगवान दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे सब जगह? बाहे नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा दिख रहे थे। हिरण्यकश्यप को बोल रहे थे किधर है तेरा भगवान? इस दीवार में है? बोले हाँ है। इस खंभे में है? बोले है। इस खंभे में है, सब जगह है मेरा भगवान। प्रहलाद को दिख रहे थे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेमा भक्ति उत्पन्न हुए रखी थी, प्रेमांजन लगा रखा, उस कारण से, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, किस रूप में? अपनी निराकार शक्ति के रूप में, अपने ब्रह्म रूप में, अपने ब्रह्म रूप में, जो भगवान का पहला रूप होता है ना, ब्रह्म परमात्मा भगवान, ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये 125 बार नहीं, कितनी बार हो गया? 141 बार हो गया। ब्रह्म परमात्मा भगवान 142 बार, ब्रह्म परमात्मा भगवान 143 बार। भगवान को तीन रूप में समझ सकते हैं, निराकार ब्रह्म रूप में, उनकी शक्ति के रूप में, उनके सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा के रूप में, और ओरिजिनल भगवान द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप, जो गोलोक वृंदावन में विराजमान रहते उस रूप में। तो कहा जा रहा है कि यहां पर कहा गया है यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है, किस रूप में? अपने ब्रह्म रूप में, शक्ति रूप में। सभी लोग मुंह से बोला करो, किस रूप में? माइक म्यूट करते हुए बोलो, अब बोलो माइक म्यूट करना मतलब बंद करना। श्रवण अच्छे से नहीं करते उसका लक्षण है ये। मैं बोलूंगा पकड़िए जल्दी से, सभी लोग अपना नाक पकड़िए, पकड़ो सभी लोग, ये देखो नाक पकड़ा है सबने, ये नाक है, ये नाक है, मैं बोला नाक पकड़ो, 1 2 3 4 5 लोग ऐसे कान पकड़ के बैठे, इसको बोलते हैं श्रवण की कमी, अटेंशन की कमी,
नाक बोला कान पकड़ के बैठे, नाक पकड़ो कोई बात नहीं आगे बढ़ते। देखो क्लास में आयो अच्छे से सुनो तो आनंद आएगा, वीडियो ऑन करके बैठे तो मैं देख पाऊंगा आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, कहां पे गड़बड़ कर रहे हो। हाँ तो भगवान अपने अव्यक्त रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रिय द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द रूप में शब्द द्वारा हुआ है। अव्यक्त मूर्तिना, भगवान अव्यक्त रूप में स्थित है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। भले ही हम उन्हें देख न देख सके किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। भगवान को भले हम देख न सके लेकिन सब कुछ भगवान पर आश्रित है। कौन सा श्लोक है? आश्रिता जी, आपका नया नाम है आश्रिता जी। बताइए कौन सा श्लोक है? मालूम है, कौन बताएगा? रीमा पटेल माता जी। यस, क्या बात है। 7.7 कृष्ण सेज मत्तः परचरम नान्यात् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रथम सूत्र मणिगणैव। क्या कह रहे भगवान? जिस तरह से सातवें अध्याय का सातवां श्लोक खोलिए सभी लोग, थोड़ा समझो, थोड़ा समझो, टाइम लगाओ, स्वाध्याय करो। क्या लिखा है? मेरे से ऊपर कोई परम सत्य नहीं है, सब कुछ मुझ पर आश्रित है। जिस प्रकार से मोती धागे पर वो पिरोए हुए होते हैं उसी प्रकार से सब लोग मेरे ऊपर आश्रित हैं। मोती दिखते हैं लेकिन धागे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। इसलिए क्या लिखा हुआ है कि वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है लेकिन दिखते नहीं है भगवान। आज आप बैठे हुए हो वो भी भगवान पे बैठे हुए, कैसे बोलो? अगर मैं ये कहूंगा कि भी आप भगवान पे बैठे हुए और आप बैठ करके खड़े, हाँ भगवान पे बैठो, उठ जाता हूं मैं, नहीं बैठूंगा। पर जहां पर खड़े होंगे वो भी कौन है? भगवान है, सब जगह भगवान। वो क्या है? भगवान की अव्यक्त रूप में स्थित है भगवान, अपनी अपरा शक्ति के रूप में। कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से समझ जाइए। एक बार समझ जाएंगे ना, परा अपरा अव्यक्त सब क्लियर हो जाएगा। वैसे तो क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि 138 बार तो बोल दिया मैंने ब्रह्म परमात्मा भगवान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। तात्पर्य पढ़िए, जो भी जो आज का श्लोक है। भले ही हम उन्हें न देख सके किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। श्लोक संख्या 7वां अध्याय 7। जैसे कि मोती जो है धागे पर आश्रित रहते हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। क्या बात है, लिखा हुआ था क्या यहाँ पे? वाह, कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति या अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। संपूर्ण दृश्य जगत, जो भी जगत दिख रहा है, जगत में दो शक्तियां हैं। कौन कौन सी दो शक्तियां हैं? एक तो पराशक्ति और एक कौन सी? अपराशक्ति। ठीक है, जल्दी से प्रश्न पूछता हूँ ईशिका जी, आध्यात्मिक शक्ति कौन सी है और भौतिक शक्ति कौन सी है? यस ईशिका माता जी बताइए, माइक म्यूट करके। देखिए पूरे क्लास का टाइम बचाना होता है इसलिए जल्दी से एक तो माइक म्यूट करके उत्तर दे दिया करो। पूछते जिसको जिसको पूछा जाता है उत्तर दे दिया करो, नहीं देना है तो मना कर दो, नहीं दे पाएंगे, समय बचता है। यस, कौन बताएंगे? ललिता गुप्ता माता जी बताइए, आध्यात्मिक शक्ति कौन सी है, भौतिक शक्ति कौन सी है? ट्रेन में से बोल रहे, बोलिए, क्लास अटेंड कर रहे हैं। हाँ यस माता जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए। यस बोलिए। पराशक्ति तो आध्यात्मिक है और अपराशक्ति भौतिक शक्ति। म्यूट कर दीजिए, हम ये 7वें अध्याय में भी समझ चुके थे। म्यूट कर, ठीक है, हम 7वें अध्याय में भी समझ चुके थे, वापिस से अभी यहाँ पर बता रहे हैं हम। देख लीजिए, भगवान की दो शक्तियां हैं, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। पराशक्ति को और क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक शक्ति। अपराशक्ति को और क्या बोलते हैं? भौतिक शक्ति। पराशक्ति कहाँ कार्य करती है? ज्यादातर आध्यात्मिक जगत में। भौतिक जगत में कौन सी शक्ति काम करती है?
अपराशक्ति। पर क्या भौतिक जगत में पराशक्ति नहीं है? भौतिक जगत में भी पराशक्ति है, पर वो कौन सी है? आत्मा, हम आत्मा। ठीक है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर पूछने का आप सभी का अधिकार है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है मालूम है? अच्छे से सुनना, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, आगे बढ़िए, तात्पर्य पूरा करते हैं, फिर आप प्रश्न पूछने के अधिकारी हैं। संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्ति, अपरा या आध्यात्मिक शक्ति या अपरा या तथा या भौतिक शक्ति का संयोग है। अच्छा, संपूर्ण दृश्य जगत का मतलब क्या है? संपूर्ण दृश्य जगत, विजय जैन माता जी, संपूर्ण दृश्य जगत क्या मतलब है? पूरी सृष्टि प्रभु जी। दृश्य जगत मतलब पूरे जगत का दृश्य प्रभु जी, ब्रह्मांड पूरा, आध्यात्मिक। सिंपल सिंपल शब्द है, संपूर्ण दृश्य जगत। प्रमोद कुमार जी, जगत में जो कुछ दिखाई देता है। यस, पूरा जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत तो नहीं दिखाई दे सकता ना। जितना भौतिक जगत जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जो सबको आंखों से प्रकट होता है, वो पूरा भौतिक जगत, दृश्य जगत दो शक्तियों से बना हुआ है। उसमें कौन कौन सी है? भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, पराशक्ति और अपराशक्ति। माता जी बताएंगे, नैना पटेल माता जी प्लीज बताइए, इस भौतिक जगत के अंदर पराशक्ति कौन सी और आध्यात्मिक शक्ति कौन सी, जल्दी से बताइए। प्रश्न गलत हो गया है, पराशक्ति कौन सी और अपराशक्ति कौन सी, ये प्रश्न। पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक जगत है माता जी, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, भौतिक जगत के अंदर पराशक्ति कौन सी है और अपराशक्ति कौन सी है? मैं बताऊं प्रभु? नहीं माता जी, पराशक्ति अग्नि जल, यस अग्नि जल वायु, वो सब अपराशक्ति में आता है, और भौतिक पराशक्ति में आध्यात्मिक जगत मतलब आत्मा। उत्तर तो थोड़ा सही बोल रहे हैं, पर क्लैरिटी और थोड़ी सी चाहिए थी। उत्तर सही है आपका माता जी। यहाँ प्रश्न देखो ना, आप समझते क्यों नहीं हो, ये मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप समझते क्यों नहीं। प्रश्न है कि भौतिक जगत के अंदर दो शक्तियां काम करती है, इधर देखिए पढ़िए मत। हाँ। भौतिक जगत के अंदर दो शक्तियां काम करती है, एक पराशक्ति और अपराशक्ति। तो पराशक्ति कौन सी है? पंच महाभूत से जो कुछ भी बना हुआ है उसके अलावा। अपराशक्ति कौन सी होगी? पंच महाभूत, ये जो क्या बताऊं मैं आपको, ये मोबाइल, ये क्या है? अपराशक्ति। ये तकिया, ये क्या है? अपराशक्ति। ये घर, ये क्या है? अपराशक्ति। और इस घर के अंदर जो व्यक्ति रहता है, जो आत्मा रहती है, वो क्या है? पराशक्ति। पराशक्ति, इसलिए बोला जा रहा है भौतिक जगत परा और अपराशक्तियों से मिलकर बना है। ये भौतिक जगत काम ही नहीं करेगा इसमें अगर पराशक्ति नहीं है, तो अगर इसमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो। समझ में आया आपको? हमारे शरीर में दो शक्तियां हैं, ये शरीर क्या है? अपराशक्ति। आत्मा क्या है? पराशक्ति। यस, हमेशा क्लियर होना चाहिए ये सब चीजें, कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल। ये सब किस लिए क्लियर होना है? जिससे कि हमें मालूम पड़े कि भगवान की विशालता क्या है, और हम भगवान की भक्ति में और अच्छे से लग जाए। ठीक है, आगे बढ़े, वेरी नाइस, थैंक यू। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है, और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं। सूर्य का प्रकाश कहाँ फैला रहता है? संपूर्ण जगत में फैलता है। ऐसा होता है क्या, जैसे अभी मैं जोधपुर में हूं तो जोधपुर का सूर्य, आप अहमदाबाद में हैं तो ये अहमदाबाद का सूर्य, आप सूरत में हैं तो बोले सूरत का सूर्य, कोई बोले कि मैं अभी गढ़वाल में हूँ, टेरी गढ़वाल में, तो बोले ये यहाँ का सूर्य, कोई बोले मैं अभी दिल्ली में हूँ तो दिल्ली का सूर्य। ऐसा होता है क्या? सूर्य तो एक है लेकिन उसका प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है। उसी प्रकार से भगवान जो है अपनी शक्ति के द्वारा सर्वत्र व्याप्त है। ठीक है, और शक्ति को क्या बोलते हैं? ब्रह्म। भगवान के कितने रूप होते हैं? भगवान के कितने रूप होते हैं रियलाइज करने के लिए? प्रमिला खेमानी माता जी देखते हैं क्या उत्तर देते हैं। तीन रूप। कौन कौन से? अव्यक्त परमात्मा और भगवान। यस, ब्रह्म परमात्मा। वेरी नाइस, बिल्कुल सही उत्तर है, ब्रह्म
परमात्मा भगवान, भगवान भगवान का निराकार रूप, परमात्मा जो सबके हृदय में बैठे हुए। जैसे भगवान बोल रहे हैं, भगवान का मतलब क्या है? द्विभुज मुरलीधर साकार रूप भगवान का, ठीक है। भगवान मतलब साकार रूप, ब्रह्म मतलब निराकार रूप, परमात्मा मतलब जो सबके अंदर साकार रूप में चतुर्भुज रूप में बैठे हुए। हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे वो कैसे हैं, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हमारे हृदय में जो परमात्मा वो बैठे वो कैसे हैं? साकार है। कितने रूप में? चार भुजों वाले रूप में बैठे हुए हैं हमारे सबके हृदय के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तु उसी शक्ति पर टिकी है। भगवान की शक्तियां नहीं दिखती, लेकिन क्या दिखता है? वो सारी वस्तुएं दिखती रहती है, जो कुछ भी टिका हुआ वो सब कुछ दिखता रहता है। उदाहरण क्या है उसका? उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? सूर्य, मोती का माला, मोती की माला। मोती किस पर टिके हुए होते हैं? धागे पर टिके हुए होते हैं। मोती तो दिखते है लेकिन धागा नहीं दिखता। वेरी नाइस, थैंक्स। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ थोड़ा सा बचा है, इसको पूरा कर लेते हैं जल्दी से, पूरा हो जाएगा ये। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपना व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, इसलिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। किसको समझ में आया? जीतू बांबानी जी, समझ में आ गया आपको? भगवान सर्वत्र व्याप्त है इसलिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है, क्या मतलब है इसका? मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ बराबर से नहीं आया, बट तो आपने एक पेपर का एग्जांपल भी समझाया था कि अगर हम उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे तो वो मतलब ये नहीं है कि तो उसकी जीतू जी आपके कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या श्रुति जी? नहीं नहीं नहीं, उत्तर क्यों दे रहे हैं? मैं पूछा नहीं आपसे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ कौन आएगा इस बात को? आप में से एक स्मार्ट डिवोटी जिनकी अच्छा विभा माता जी कहाँ है? हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा इधर है, आप सबके प्यारे विभा माता जी इसका उत्तर देंगे, जिसकी आवाज आप जल्दी से सुनते हैं, समझ जाते हैं। मेरी आवाज में तो कर्कशता है, आप बताइए माता जी क्या मतलब है इसका? प्रभु यही है कि अगर भगवान सब जगह निराकार में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका द्विभुज मुरलीधर या साकार रूप नहीं है। हाँ, तो भगवान अपने दोनों रूप में उपस्थित है। उदाहरण आपके पास पेपर है, रफ पेपर है कुछ पीछे पड़ा हुआ है? हाँ, खराब पेपर है, काम का नहीं है? ठीक है, इसमें उदाहरण देके बताइए। सभी लोग देखिए माता जी जादू कर रहे हैं, दिखाइए आंखों के सामने दिखाइए, ऐसे नहीं। ये एक पूरा रूप है, ये पेपर का क्या है? रूप है, एक पूरा पेपर है, ये भगवान है, ठीक है, ये भगवान है। अब भगवान को सर्वत्र व्याप्त करने के लिए इनके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, कीजिए। एक पेपर था, बहुत सारे पेपर बन जाएंगे और ये सब जगह व्याप्त हो जाएगा, इसको पूरे कमरे में फैला देंगे। अभी तक तो दिखाइए, दिख नहीं रहा लोगों को, आप ऐसे चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं? कैसे मालूम? इतने सारे रूप हो गए, इतने सारे जगह फैला दिया इसको, तो अब पेपर का ओरिजिनल रूप कहाँ है माता जी? पेपर का ओरिजिनल रूप कहाँ है? जो पेपर रूप में था वो कहाँ है अब? पेपर उसमें छोटे उसमें है ही है ना प्रभु? छोटे रूप में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ओरिजिनल रूप पेपर का है क्या आपके पास? है ना, ये दूसरा। मैं दूसरा नहीं, वो चला गया, वो चला गया। तो उसी प्रकार से लोग क्या बोलते हैं कि भगवान अगर सब जगह व्याप्त हो गए हैं तो उनका ओरिजिनल रूप तो कहीं पर है ही नहीं, भगवान गोलोक वृंदावन में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सब जगह अपनी शक्ति के रूप में फैल चुके हैं। लेकिन वास्तव में उत्तर क्या है? भगवान अपनी शक्ति के रूप में सब जगह भी है और अपने गोलोक वृंदावन में भी है। फिर से समझ जाइए इस बात को, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, किसी को नहीं आया? किसी को नहीं आया पूछ लो। आ गया प्रभु जी, आपको आ गया, अच्छी बात है, नहीं आया उनसे पूछ रहे। मदन लाल जी समझ में आ गया? जी प्रभु, इसका एक एग्जांपल सुना हुआ था पहले। क्या? जैसे हमारे पास 10 रुपए हैं, अगर हम किसी को 10 रुपए दे देते हैं तो 0 बचता है,
मगर भगवान के संदर्भ में अगर इसको देखते हैं तो वो अगर 10 रुपए भी उनसे हम ले लें फिर भी उनके बाद 10 रुपए रहते ही हैं, तो वहां पर घटता नहीं है कुछ भी। बहुत अच्छा हरि बोल। एग्जाम्पल एग्जैक्टली एग्जाम्पल तो ये वाला दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, पर यहाँ पर ये बोला गया कि जब भगवान अपने अपने आप को सब जगह व्याप्त कर देते हैं तो उनका ओरिजिनल रूप जो है खत्म हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। भगवान अपने ओरिजिनल रूप में भी रहते हैं और सब जगह व्याप्त रहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए भौतिक जगत का, कौन देगा एग्जाम्पल जल्दी से दीजिए। भौतिक जगत के 2 बड़े ब्रांड कंपनी का एग्जाम्पल दे दीजिए फटाफट। अंबानी और वेरी नाइस, बिल्कुल सही उत्तर है। कोई पूछे सरल उत्तर उदाहरण देता हूँ, आप सभी ने फोर्ड नाम सुना होगा, फोर्ड नाम की गाड़ियां आती है, फोर्ड नाम की कार आती है। तो फोर्ड व्यक्ति ने बहुत सारी गाड़ियां बना दी, कंपनी बना दी, सब कुछ कर दिया और फोर्ड आदमी खत्म हो गया, गाड़ी बना 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 के खत्म हो गया। फोर्ड आदमी भी है और गाड़ियां भी है, भगवान भी है और उनकी शक्ति भी है। तो भगवान का ओरिजिनल साकार रूप कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा और वो अपनी शक्ति के द्वारा सब जगह व्याप्त होते हैं। ठीक है, भौतिक जगत में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो भगवान तो क्या है सोचिए, बहुत बड़े हैं वो तो। आगे एक बार फिर से पढ़ता हूं, देखिए मैं इतना एफर्ट एनर्जी क्यों लगाता हूं आपको मालूम है, रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना बाद में, वो मेरे को बोलते प्रभु जी एक ही बात को आप रिकॉर्डिंग में बार 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 बोलते रहते हैं, रिकॉर्डिंग जो बाद में सुनते वो ऐसा कहते हैं। नहीं प्रभु हरे कृष्ण प्रभु, रिकॉर्डिंग सुनने बहुत अच्छा लगता है, बहुत धैर्य पूर्वक सुनते हैं प्रभु जी। नहीं नहीं, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं एक ही बात आप इतना क्या वो क्लास में लंबा खींच लेते हैं, छोटा सा टॉपिक पे इतना लंबा खींच लेते हैं। अच्छा लगता है प्रभु जी हरे कृष्ण, दिमाग में बैठा हुआ अच्छी तरह से। हाँ बहुत अच्छे से सुनते भी, बहुत अच्छा लगता है सुनने में प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, मेरा तो आज तो बस मेरा एकदम घी तेल क्या बोलते खून बढ़ गया बहुत सारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर भी किसी को, यस माता जी थैंक यू, फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान सब जगह फैले हुए हैं, तो के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है, भगवान व्यक्तिगत रूप में खत्म हो गए, द्विभुज मुरलीधर रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब जगह फैल चुके हैं इसलिए नहीं है, ऐसा वास्तव में नहीं होता है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूं और मैं प्रत्येक वस्तु मुझमें है, मैं सब जगह हूं और प्रत्येक वस्तु मुझमें है, तो भी मैं पृथक हूं। ये उदाहरण दे दिया भगवान ने, मैं सब जगह भी हूं, मैं अलग भी हूं और सब लोग मुझमें भी है। भगवान सब जगह भी है लेकिन अलग भी है। अलग किस रूप में? अपने पर्सनल रूप में है। सब जगह किस रूप में? अपने निराकार रूप में, शक्ति रूप में। ठीक है आगे बढ़िए। प्रत्येक वस्तु मुझ में है और मैं पृथक हूं। उदाहरण, उदाहरण से समझिएगा आप। उदाहरण, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। राजा क्या है? मेन आदमी। प्रजा और पूरा सब कुछ क्या है? वो क्या है? उसकी शक्ति। ठीक है, सैनिक हो गए, उसका राज्य हो गया, उसकी जमीनें हो गई, वो उसकी शक्ति है। तो राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। सरकार विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है। जितने भी ऑफिसेस होंगे, विभाग होंगे, कार्यालय होंगे, वो है किसके? बोलो वो है किसके? राजा के। है सब राजा के और सब जगह राजा के अलग अलग केंद्र खुले हुए हैं सब जगह, और वो सब किस पे निर्भर करते हैं? वो कैसे संचालन होगा उनका? राजा पर ही निर्भर करते हैं। राजा उसको चलाएंगे तभी चलेंगे वो। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वो प्रत्येक विभाग में उपस्थित हो। वो प्रत्येक विभाग में उपस्थित हो सकता है क्या राजा? हर मेडिकल स्टोर में, हर स्कूल में, हर राजा ने जो भी केंद्र खोला है उसमें राजा खुद उपस्थित हो सकता है पर्सनल रूप से? नहीं उपस्थित हो सकता। तो कहा जा रहा है यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में, परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। जितना भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी है, वस्तु मतलब समझ जाइए
पंच महाभूत से बना हुआ कुछ कुछ भी, ये लैपटॉप, ये किताब, ये बैग, ये सोफा, ये गाड़ी, ये बंगला, जो कुछ भी है वो सब भगवान की शक्ति में आश्रित है। इसलिए कहा जा रहा है कि तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में परलोक में विद्यमान हैं, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। जितनी भी वस्तुएं हैं वो किस पर निर्भर है? भगवान की शक्ति पर। भौतिक जगत में कौन सी शक्ति? भौतिक शक्ति। आध्यात्मिक जगत में कौन सी शक्ति? आध्यात्मिक शक्ति, इस पर निर्भर है। जितनी भी वस्तुएं इस लोक में परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, और जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, विष्टव्याहम इदम कृत्स्नम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान हैं। भगवान सब जगह विद्यमान है, किसमें? अपनी शक्ति रूप में। अपने ओरिजिनल रूप में कहाँ रहते हैं? अपने धाम में, बोलो वृंदावन धाम में रहते हैं। सब जगह भगवान किस रूप में व्याप्त है? सुनीता घड़ियाल माता जी, सुधा घड़ियाल माता जी, भगवान सब जगह व्याप्त है, किस रूप में? प्रभु जी ब्रह्म रूप में। हाँ, उसको क्या बोलेंगे और सरल भाषा में, अपनी भाषा में? भगवान की शक्तियों के रूप में, भगवान की अपरा शक्ति के रूप में भगवान संजय के व्याप्त है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। श्लोक की तरफ वापिस चलिए, मुश्किल श्लोक है। मुश्किल कैसा श्लोक है? इसमें क्या कहा जा रहा है? यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। पूरा जगत भगवान की ही एक शक्ति के द्वारा व्याप्त है, मतलब प्रकट है। वो शक्ति कौन सी है? भगवान की अपरा शक्ति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके द्वारा ये पहाड़, ये झरने, बड़े बड़े पेड़, जंगल, ये सब उसी के कारण बने हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, सारे जीव भगवान में स्थित है, क्योंकि भगवान के, भगवान पर ही निर्भर करते हैं सब कुछ। कौन से रूप में? भगवान। समस्त जीव मुझ में है, भगवान के कौन से रूप में? अव्यक्त रूप में। सब जीव भगवान के जीव में स्थित है, सब जीव उनमें स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं, भगवान उनमें नहीं है। किस रूप में नहीं है? किस रूप में नहीं है भगवान? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, साकार मुरलीधर, साकार रूप में नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आशा करता हूँ आपका प्रश्न हो सकता है, मुझे मालूम है, जरूर पूछिएगा चैंटिंग के बाद में। चलो चैंटिंग शुरू करते हैं। फोन करेंगे आज।